उसके न्यू होम में शिफ्ट कर दिया है और ये सारा उसका न्यू होम है माशाल्लाह। भाई मेहनत से प्रिपेयर किया मैंने, अभी सुबह इन दोनों को भी बाय किसी मेन केज में फैदर वैली जो हमने बनाया इसमें इनको भी कर देंगे आज़ाद, तो ये इसमें इंशाल्लाह ये भी इधर करेंगे और नेक्स्ट मज़ीद परिंदे लेके आऊँगा वो भी अडप करूँगा सेटअप के अंदर इंशाल्लाह। तो मेरा डेजी तो काफ़ी खुश है, इंजॉय कर रहे डेजी। डेजी पाई दो बाबू को, बुरी बात चल खा, डिस्टर्ब नहीं करता मैं तुझे गंदा बेबी। अभी पिंजरे की मज़ीद सफाई होने वाली है और कल ये चीज़ें भी उठाएंगे इंशाल्लाह और लॉक कर दें लॉक। ठीक है अभी प्रॉपर सारा कल इंशाल्लाह मज़ीद इसको बेहतर करेंगे। हाय डेजी इधर ही सोएगा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये आज बच्चों की स्कूल में पार्टी है और उसकी तैयारियाँ हो रही हैं और फ़र्स्ट टाइम मैं ये बना रहा हूँ, पैकिंग कर रहा हूँ और बेगम ने बिरयानी बनाई है उनकी डिमांड पे स्कूल वालों के, तो देखते हैं क्या करते हैं बच्चे, इंजॉय करते हैं क्या नहीं। बिरयानी तो बहुत अच्छी बनी है और ये मैं पैकिंग डब्बों की बना रहा हूँ फ़र्स्ट टाइम लाइफ में, और आप सब देखें इंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके भाई का चैनल है। बच्चों का चेहरा देखे सारे सोए उठ गए हैं और मैं भी सोया हुआ उठ गया हूँ और फेस भी वॉश नहीं हमने किया हुआ, ये मैं डब्बे बनाने लगा हुआ हूँ। बहुत मेहनत का काम था भाई साहब जो मैंने किया है, और उम्मीद है कि सबको बिरयानी पसंद आएगी स्कूल में और बच्चे भी इंजॉय करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बच्चे स्कूल की पार्टी के लिए रेडी, पार्टी पर जा रहे हैं। ये हमने इनके बिरयानी के डिब्बे पैक कर दिए। सैन जी, हमने सुबह बिरयानी बनाई थी बच्चों के लिए क्योंकि बच्चों की पार्टी थी, इसलिए तो मैंने भर के देज का बनाया क्योंकि स्पाइस उसके डिब्बे बनाए तो ख़त्म हो गई। बाबा कह रहे थे कि मुझे भूख लगी, मैंने बिरयानी खानी, फिर उनके लिए दोबारा मैंने बिरयानी बनाई है ताकि बच्चे भी खा लें और बाबा भी खा लें। तो ये हमारी बिरयानी रेडी है, ना इतनी स्पाइसी ना इतनी। यस ये है बिरयानी जो अभी मैं मिक्स कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों आप सब? ठीक होंगे उम्मीद करता हूँ जी। आज मैंने अपने प्याज से कॉकटेल उस पिंजरे से निकाल के अब ये बड़े के एज में मैंने शिफ्ट कर दिए हैं माशाल्लाह, और ये काफ़ी खुश भी हैं। और अब मैं इनके ये जो ब्रीडिंग बॉक्स है इसको भी मैंने फिट कर दिया उस केज में से निकाल के। अब मैं इनके लिए ना बाज़ार से किसी पैड की फैक्ट्री में जाके बुरा लेके आया हूँ, अब इसके अंदर मैं बुरा डालूँगा और ये बाकी कलोनी जो मेरा फैदर वैली है उसके बाकी ये नज़ारा देखें माशाल्लाह। ये मैंने बड़ी मेहनत से प्रिपेयर किया बनाया डे बाई डे, इस पर एफर्ट की मैंने सोच समझ के और कोशिश की है। तो अभी ये सारा बाहर मैंने गन डाला हुआ है, ये सारा मैंने उठाना है केज के बाहर से। इधर भी हम मैंने कोई आइडिया लिया हुआ है, सोचा हुआ है इधर कुछ काम क्यों करूँगा इसके भी। तो इंशाल्लाह अभी इनको ना ये मैं बूरा लेके आया हूँ, बूरा मैं डालता हूँ इसका इनके केज के अंदर, तो देखते हैं ये क्या रिस्पांस देते हैं मेरा अंदर जाने से। माशाल्लाह बहुत खुश हैं ये दोनों मेरा ब्रीडिंग प्लेयर है अल्हम्दुलिल्लाह, और होप करता हूँ कि ये प्यारी सी ब्रीड करेंगे और ये जो मेरा फैदर वैली सोना ये बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। और इसके अंदर मैं और भी पेयर लेके आऊँगा, तो आप देखते रहिएगा, चैनल को सपोर्ट करते रहें।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट क्या करता हूँ इंशाल्लाह। यानी मैंने इसके बॉक्स के अंदर बुरा डाल दिया, मैंने सेटिंग कर दिया उसके अल्हम्दुलिल्लाह। और एक ये बड़े वाले कुजे में भी मैंने उसके अंदर डाल दिया है, और शायद नज़र नहीं आ रहा, लाइट की कमी है। शायद मैं ट्राई करता हूँ लाइट ऑन करके के फ्लैश लाइट्स ऑन होने के बाद। हाँ, इसके अंदर भी सेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैंने ट्राई किया केज को सेट करने के लिए, बीच में झूला लगाया छोटा सा। और ये सामने मैंने बजीज़ के लिए ये लगाए हैं उनके हाउसेस। और ये जो मैंने प्लान किया है इसके अंदर मैं वेल या आर्टिफिशियल फ्लावर्स वो लगाऊंगा। और ये हैं मेरे प्यारे से कॉकटेल पेयर रेड आइज में, माशाल्लाह। और ये प्यारा सा छोटा सा सेटअप लगाया मैंने, और इंशाल्लाह इसको मज़ीद डे बाई डे हम बड़ा करते रहेंगे आप सबकी सपोर्ट से, दुआओं से इंशाल्लाह। तो अल्लाह करे अब ये अच्छी सी ब्रीड करें इंशाल्लाह। तो अब मज़ीद इसके अंदर लेके आएंगे हम अपने पेट्स ब्यूटीफुल। ये पिंजरा है जिसके अंदर ये ऑलरेडी थे और मीटिंग भी कर रहे थे, तो आज मैंने इनको शिफ्ट कर दिया है। होपफुली कि अब ये इसमें इस हाउस में एडजस्ट हो जाएं। मेरी दुआ है कि चंद दिन लगेंगे, मे बी एक दो दिन में ये इस हाउस में ना सेट हो जाएं। और ये इनको वापस अपना ये जो बॉक्स है इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे जी, वाकई हमारा बॉक्स है। तो इसके ऊपर भी ये बैठना और अंदर बैठना स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन ये काफ़ी हैप्पी हैं ओपन माहौल देख के। और ये मज़े की बात है, मुझसे डर भी नहीं रही। ये जंगली थे, जंगली पेड़ लेके आया था मैं जब स्टार्ट पे लाया था, इतना ज़्यादा ये डरते थे। लेकिन स्टेप बाई स्टेप आहिस्ता 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 जब इनको मैंने फीड डालनी स्टार्ट की और मेरे पास जो हैंड टेम था वो उसके सामने होता था, तो ये डरते नहीं हैं अब। ये काफ़ी बेहतर हो गया, अभी इनके इतने करीब खड़ा मैं वीडियो बना रहा हूँ और बिल्कुल रिलैक्स हैं और अपना काम कर रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं डर रहे मुझसे। बल्कि इवन के मुझे फ़ील भी नहीं करा रहे कि मैं इनके पास खड़ा हूँ। तो माशाल्लाह मेरे बहुत ही प्यारा सा पेड़ है, लाला नजरे बस से बचाए। और ये मेरा हुसैन बेटा है। हुसैन क्या कर रहे हो आप? बेटा फोकस ख़राब है, ये आप नज़र ही नहीं आ रहे से। हाँ अब वो क्लियर। हाँ जी क्या हो रहा है? ये मेरा सैन बेटा है, तो ये भी शहज़ादा बहुत इंटरेस्ट रखता है, इसको भी पेट से बहुत प्यार है। तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह और प्यारे से, ये मुझे कहता है चिक्स ला के दें, तो इसको मैं चिक्स ला के दूँगा डक के भी और हैन के भी इंशाल्लाह। तो ये भी कल मेरा टारगेट है, इधर भी सारी सफाई करके तो इधर भी कुछ करेंगे इंशाल्लाह, फिश टैंक का बंदोबस्त करेंगे जी। कौन छेड़ा था? जैनब छेड़ी थी? क्यों छेड़ी थी? आपने भी छेड़ा था? वो तो आप ही सबके बड़े, वो सबके तो बॉस आप ही है ना, इसलिए आपने कहा होगा कि छेड़ो ये करो वो करो, है ना। चलें ठीक है, हाँ दस नहीं बाबा की चीज़ें छेड़नी, क्योंकि शार्प चीज़ें भी होती हैं, उसे हैंड भी काट सकता है किसी भी टूल से। तो विदाउट परमिशन आप टूल्स को ना छेड़ा करो मेरा बेटा। और ये बाइक अभी हॉट है, उसको टच ना करें, सिलेंसर उसका गर्म है, इंजन भी गर्म है जी। क्या कह रहे हैं आप? जी मेरा बेटा आ जाए आप अंदर, देखें आपके पेट्स क्या कह रहे हैं। ये हुसैन भी अंदर आ रहे हैं जी, आ जाओ जी। हुसैन कैसा लगा आपको? ले जी हुसैन ने बंद कर दिया अंदर से डोर, अच्छा लग रहा है। बाबा ने अच्छे पेट्स लिए हैं, ये कॉकटेल प्यारे हैं हुसैन के। ये देखें कि रेड आइस कैसे मज़े से चमक रही है। फीमेल है ये मेरी, येलो फीमेल है और ये मेरा मेल है। हेलो, ये जब आए थे ना तो इसका नाम मेरी बच्चियों ने रखा था वुगी वुगी वुगी, ये वुगी वुगी हैं हमारे, वुगी 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 वुगी। सैन के काम चेक करें, मैंने इसे कहा कि बाजरे वाला डिब्बा लाओ,
वो दूध वाला डिब्बा ले आया। वो दोनों सेम है और किचन में दोनों पड़े होते हैं। तो मैंने इधर अपनी तरफ से बाजरा डालने लगा था, वो सारा दूध डाल गया इसके अंदर। वो देखें अब ये दूध वाला है कि बाजरे वाला है, ये दाने वाला है ना। दो अभी मैं इसको ना, हाँ ये दाने वाला। ओके थैंक यू, डोर बंद कर देना ताकि वो बाहर ना जाए। हाँ ये डाल गया, तो बाबा भी इसको ओपन करते हैं। हाँ इसमें दाना है, अब दाना हम इस वाले में डालते हैं। ये के लिए काफ़ी होगा। ये लो इसे वापस रखा है बेटा, किचन में रखा है। ठीक है थैंक यू। चलो भाई आ जाओ नीचे, खाना खा लो आप। बाबा ने वो खाना डाल दिया है जी, दाना भी मैंने डाल दिया है, पानी भी डाल दिया केज में। अब अजानें होने लगी हैं, नमाज का टाइम हो गया मगरिब का, तो अभी मैं नमाज के लिए जाने लगा हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में विद न्यू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव व्लॉग इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।